रेवाड़ी नगर परिषद में प्रधान बदलने को लेकर सत्ता परिवर्तन के बाद से चली आ रही जोर आजमाइश पर आज आखिरकार विराम लग ही गया और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आयोजित बैठक में 21 पार्षदों ने नगर परिषद प्रधान के खिलाफ वोटिंग की, जबकि 3 केवल मत ही प्रधान के पक्ष में पड़े। ऐसे में शकुंतला भंडारिया को नव प्रधान पद से हाथ धोना पड़ा। 2 साल पहले प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से रेवाड़ी नगर परिषद प्रधान बदलने को लेकर भारी जोर आजमाइश चली आ रही थी। इसे लेकर कई बार नगर पालिका प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और भाजपा समर्थित पार्षदों द्वारा कई बार नगर पालिका प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा भी हुई, लेकिन कोई भी अपनी इस मुहिम में कामयाब ना हो सका। सारे खरीदे गए हैं, पैसों का लेन देन हुआ है, सब पैसों का लेन देन से। अगर ईमानदारी से और विश्वास से बिना दबाव से काम होता तो मेरी निश्चित जीत थी। ये सब दबाव, ये सब दबाव और खरोद परोद से काम हुआ है। जय विश्वास प्रस्ताव था, मेरे पक्ष में 10 वोटें आई है, 21 मेरे पक्ष में नहीं थी, लेकिन ये विश्वास है। विश्वास प्रस्ताव तो देखो जीवन में आते रहते हैं। मेरा तो एक ही वो है कि शहर के विकास हो, शहर को गति पे ले जाया जाए। 2 साल से कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए जो ये काम रोक रखे थे, मेरी तो इस शहरवासियों से और इन नगर परिषद वालों से और इस सरकार से ये गुजारिश है कि शहर के विकास कराए जाएं। मुझे कोई इस बात का गम नहीं है कि माल है विश्वास प्रस्ताव आ गया। मैं पहले भी काम किए थे, अभी काम करती रहूंगी। मैं कल भी प्रधान थी, मैं आज भी प्रधान हूँ। ये प्रधान उरदान में इन चीजों में विश्वास नहीं रखती। इसके बाद आखिरकार स्थानीय विधायक रणधीर कापड़ीवास और एसडीएम कुशल कटारिया की मौजूदगी में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिस पर 21 पार्षदों ने स्वेच्छा से वोटिंग की, जबकि केवल 3 मत ही नगर पालिका प्रधान के पक्ष में पड़े। वहीं 7 पार्षद इस दौरान अनुपस्थित थे। ये पार्षदों की अपनी बिल्कुल स्वेच्छा से और मेरी उपस्थिति में बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में, बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और 21 मत प्रस्ताव के समर्थन में आए, 3 विरोध में आए और जो रिक्वायर्ड संख्या थी वो 21 ही थी और 21 मत से प्रस्ताव पास हो गए। ये कोई जो डेट निर्धारित होगी और अपने सांसद, अपने पार्षद जो हैं वो जिसको भी चुने। कितना टाइम का समय होता है इसके अंदर पूरा दोबारा प्रधान चुनने के लिए, क्या पूरी? इसमें ऐसा है, पहले नोटिफिकेशन होगा इस सरकार की तरफ से, पहले ये हटेगी और फिर उसके बाद। 22 पार्षद आपका मोशन आया था, उसमें वोटिंग करवाई गई है यहाँ पर, जिसमें कि 21 वोट मोशन के फेवर में आए हैं और 3 वोट मोशन के अगेंस्ट डले हैं। तो 21 वोट हमारे 2/3 मेजोरिटी को फुलफिल करते हैं, तो इसलिए प्रधान को हटाने का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ है। आपको बता दें कि नगर पालिका प्रधान शकुंतला भंडारिया पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव समर्थित पार्षद है और बहरहाल कांग्रेस पार्टी में महिला प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी। यही कारण है कि कांग्रेस समर्थक होने की वजह से उन्हें रेवाड़ी से जाट टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।